हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताऊंगा गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जो आज की तारीख के अंदर यानी 20/8/2023 को SCTO का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए और उसका क्या आंसर है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और गुजराती का बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पहले अपने जो है इंग्लिश के पेपर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपसे पूछा गया है पैसिव वॉइस, ए स्टोन स्टक मी ऑन द हेड, तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज स्टक ऑन द हेड बाय स्टोन, या इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था दे आर बिल्डिंग ए हाउस नेक्स्ट डोर टू डोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हाउस इज बींग बिल्ड बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सीवियर सिटीज, तो इसका आपको जो है बनाना था। यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सस्पेक्ट इन क्लेम टू हैव बीन सीन इन सीवियर सिटीज। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया था ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी He said that he clean his teeth twice a day. इसके अलावा एक क्वेश्चन था ये भी आपका जो है एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था He said to her, may you success, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा He wished her success, यानी ऑप्शन सी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था He said to me, what time do the office close, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा He asked me, what time the office close, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था He said to her, don't read so fast, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका He told her not to read so fast, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था to read between the line, इसका जो idiom था तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको जो कुछ छुपा हुआ मीनिंग ढूंढना है, तो to grasp the hidden meaning, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था to build castle in the air means to build mag, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडिया एंड विजनरी प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये था ए स्टोन स्टक मी ऑन द हेड, यानी ये वाला अपने ने सोल्व कर लिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था टू ब्रेक द आइस, इसका idiom था यानी ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना, तो यानी आप जो है किसी से कन्वर्जन स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट द कन्वर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था गिव वन, आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना था टू एग्जामिन ऑन्स अवाउंड थ्रोट एंड फीलिंग, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी इंट्रोस्पेक्शन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ मीनिंग थे आपको उसके अर्थ बताने थे, जैसे कि ये बताया था इनएडिबल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक था डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है डबल डीलिंग आपको करना, यानी आपको जो है मोस्ट ऑफ इसके अंदर सिनोनिम से पूछे थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका रेक्टिफाई करना यानी करेक्ट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था इंसिट करना, यानी ये नेगेटिव वर्ड है एक प्रकार का, तो इसका हो जाएगा एराउस और स्ट्रिप अप करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इमेंसिपेट का जो अर्थ हो जाएगा सेट फ्री करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था इसके अंदर idiom थी उसकी मीनिंग आपको बतानी थी विद इन ए शॉर्ट थ्रो, यानी इसकी मीनिंग हो जाएगी बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे, तो ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन था ही थ्रो कोल्ड वाटर ओवर द प्रोजेक्ट डेट मी सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्करेज करना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये था ब्रोकन डाउन करना, यानी इस किसी को ये idiom था इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉप ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ की, तो यहाँ पे आपको बताया गया ये आप देख सकते हो पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। ए और बी जो है 506 घंटे में किसी को भरते हो, सी जो है 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो आप देख सकते हो LCM इसका 60 आ जाएगा और टोटल इसकी एफिशिएंसी आप ही निकालोगे तो 22 में से 5 जाएगा खाली करने वाली 5, यानी कि 60/17 आ रहा है, यानी कि 3 सही 9/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 51+9 आप करोगे तो 60/17 हो जाएगा, यानी ये आंसर इसका राइट है डी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला है आपको जो है ए प्लस बी जो है इसका स्क्वायर का फॉर्मूले के अनुसार पूछा था ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी होता है, तो यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या होगी, तो x की वैल्यू 0.04 हो जाएगी 2b के अनुसार। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एवरेज निकालना था कि जो पांच स्टूडेंट है उसका एवरेज आपको दिया है 10, तो आपका ये 50 हो जाएगा। उसके बाद चार जो है दो स्टूडेंट और आ जाते तो एवरेज जो आपका 4 बढ़ जाता है, यानी दो स्टूडेंट 7 आ गए तो एवरेज 4 बढ़ गया, यानी कि ये आपका हो गया 98। तो जो दो स्टूडेंट आए उसका एवरेज क्या होगा, तो आप देख सकते हो 48 बढ़ा यानी 2 के रिस्पेक्ट में, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो LCM आपको दिया है दो नंबर का 30 और HCM आपको दिया है 5, तो LCM HCM बराबर एक नंबर आपको 10 दिया है तो दूसरा निकालना है, तो दूसरा आपका जो है 15 हो जाएगा, तो 15 इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 120 रुपये आपको डिवाइड करने हैं ABC के अंदर, ए जो है 20, ए को 20 रुपये ज़्यादा मिलते बी से और 20 रुपये कम मिलते सी से, तो आप जो है यहाँ पे ABC करोगे, तो सपोज सी को जो है मिल रहा है एक्स रुपये, वहीं जो है ए को जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि ट्राइंगल आपको दे दिया था रेशियो 4:3 दिया है क्षेत्रफल का, और आपको जो है हाइट दिए 3:4 में, तो आपको बेस एरिया निकालना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्राइंगल का सूत्र होगा 1/2 हाइट इंटू जो बेस की हाइट होगी वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया दिया है 4 और 3, तो बेस का जो 1/2 है 1/2 कट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप देख सकते हो हाइट एक्स वाई ले ली, तो एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा 16:9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि अगर 5 अप्रैल को द डे ऑन 5 अप्रैल ऑफ द ईयर विल बी द सेम डे, यानी कि 5 अप्रैल को जो डे था वो सेम 5 तारीख को कब आएगा, तो 5 जुलाई को ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ये जो है इंग्लिश का है, ही टीच अस ग्रामर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आर थॉट ग्रामर बाय हिम, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो रीजनिंग का पूछा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर पूछा कौन सा नंबर गलत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 94 से 105 जा रहे हैं यानी 11 बढ़ रहा है, फिर 105 से 127 22 बढ़ रहा है, फिर 127 से 160 यानी 33 बढ़ रहा है, उसके बाद 44 बढ़ना चाहिए यानी 160 में आप 44 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 204, लेकिन यहाँ पे दिया है 202, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था ये रीजनिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों को आप ऐड करोगे और 2 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, वैसे इनको ऐड करके 2 से भाग दोगे तो 13 आ जाएगा, वैसे ही 28 को आप 2 से भाग दोगे तो 14 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपसे पूछा कि 2 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 कॉमन है इनमें, तो 4 से चालू करना है 4, 2, 3, वहीं 4, 5 और 6, तो 2 के अपोजिट आपका 5 आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूछा गया था एक और मिसिंग नंबर वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो यहाँ पे भी 4 गुना होगा, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये था रेशियो वाले का, जिसका आंसर 11.25 आ रहा है, उसके बाद जो है एक आपका क्यूब वाला था उसका आंसर जो है 25:18 यानी 25:18 आ रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन ये था कि AB जो है A और B मिलकर 10 दिन में करते, BC 15 दिन में करते, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इनका जब आप निकालोगे तो जो ABC की जो एफिशिएंसी आएगी वो 6.5 आ जाएगी, तो इस अनुसार सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 0.5 आएगी, तो 60 दिन में कर रहा है तो 0.5 से आप भाग दोगे तो ये आपका जो 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाले से आपसे पूछा गया था कि एक खंभा है जिसकी आपको दे दी थी ऊंचाई 100 मीटर है और इनके बीच के अंदर जो कोण है वो 30 का बन रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस इनसे पूछा था, तो यहाँ पे 10 जब आप ठीक ठाक की वैल्यू रखोगे 30 यहाँ पे, तो आपको ये भुजा अपॉन में लेनी है, तो 100/BC बराबर 10:30 की वैल्यू होगी 1/3, तो 100/√3 आएगा इसका आंसर, तो √3 का वैल्यू हो जाता है 1.373, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 मीटर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला, इसका आंसर 2 हो जाएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला था कि इलाहाबाद वाला था, तो इसके अंदर जो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा आपका ए वाला। उसके बाद जो है इसके अंदर ये जो क्वेश्चन था 88 नंबर का, उसके अंदर आपका आंसर 2.9 हो जाएगा।
उसके अलावा जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हो, इसका गुणा आप इधर करोगे फिर इसका इधर गुणा करोगे तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कट जाएगी, लास्ट में आपको x प्लस फोर और x बचेगा। इसके अलावा ये था एक आपका पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन था, तो पॉसिबिलिटी वाले का जो क्वेश्चन आएगा वो 10/21 राइट आंसर इसका होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक गुना हो रहा है, ये दो गुना, ये तीन गुना, ये चार गुना, ये पाँच, ये छः, तो ये सात गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा 30,240। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन ये था तो इसके अंदर जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो गुणा करोगे तो आप ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो गुणा करोगे आप 144 लाने के लिए तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये वाला था कि कोई व्यक्ति जो एक तस्वीर पर इशारा करते हुए कहता है कि वो जो है मेरे फादर, यहाँ पे आप देख सकते हो बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट मैंस फादर इज माई फादर्स सन, यानी कि जो मैंस के फादर है वो मेरे फादर के सन है, यानी इसका जो राइट आंसर फिगर कुछ इस प्रकार की बनेगी, तो वो उसका ही सन हो जाएगा, यानी हिज सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला है, तो इसके अंदर जो है राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन जो है 3 बिल्डर इज ए बैंकर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये आपका सिलोरिज्म से पूछा था कि कुछ जो है मैन वो गोट है और सारे गोट जो है वो जैकेट है, तो यहाँ पे पूछा है कि सम मैन आर जैकेट, तो कुछ मैन जैकेट है तो सही है, उसके बाद कुछ जैकेट मैन है तो ये भी सही है, उसके बाद ऑल जैकेट आर गोट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जैकेट गोट नहीं है लेकिन सब सारी गोट जैकेट है तो ये गलत हो जाएगा, उसके बाद सम गोट आर मैन कुछ गोट मैन है हाँ तो ये सही है, यानी कि 1, 2, 4 सही है लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था गुजराती का, तो यहाँ पे पूछा गया कि नई घन्ना के नई घाटना, यानी ना घर के ना घाट के, तो इसका मुहावरा हो जाएगा ना इस बाजू के ना उस बाजू के, यानी ना आ बाजू ना के ना ते बाजू ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि गुजराती भाषा में केटला लिंग हो, तो गुजराती भाषा में जो है ये 3 लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अने नपुंसक लिंग, तो 3 लिंग आनु राइट आंसर थे गुजराती भाषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश वाले में मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा और गुजराती वाले में गुजराती भाषा का ही यूज़ करूंगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ये डायरेक्शन वाला था तो इसका राइट आंसर 10 मीटर हो जाएगा, ये आप देख सकते हो ड्रॉइंग फिगर की यहाँ पे कैंडिडेट ने करी हुई है। उसके बाद ये पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज है, तो यहाँ पे ये जो है 14 का वर्ग है, ये 13 का, ये 12 का, तो यहाँ पे 11 का वर्ग आने वाला है, तो 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये आपको कथन निष्कर्ष वाला दिया था, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द दिस आने वाला है, यानी कोई भी नहीं, ऑप्शन डी 65 के अंदर। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपका जो ये बस वाला था टाइमिंग के अनुसार, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, 10:15 AM पर इंक्वायरी की होगी पैसेंजर ने। इसके अलावा यहाँ पे अब गुजराती के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा है कि कौन सा जो छंद है वो 17 अक्षर का नहीं है, तो यहाँ पे वसंत तलिका जो छंद है वो नहीं होगा बिकॉज इसका राइट ये जो 14 अक्षर का छंद है। उसके बाद पूछा है आपके सूर्य मंदिर वो कौन सा समाज है, तो सूर्य मंदिर जो वो तत्पुरुष समाज हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दावपेच कौन सा समाज है, तो दावपेच जो वो द्वंद्व समाज का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा एक कहवत है पग जड़ाई जवा, तो पग जड़ाई जवानो आंसर थे स्थिर थी जवो ऑप्शन बी। एना पछी जो छे अहीं रत्नाकारनी आपने संधि छुट्टी करवानी छे, तो रत्नाकारनो थशे रत्नधन आकार, एटले ऑप्शन बी आनो राइट आंसर थई जशे। एना पछी आपने संधि जोड़वानी छे, तो नी प्लस विवाद छे तो निर्विवाद थई जशे, ऑप्शन डी आनो राइट आंसर थशे। एना पछी क्वेश्चन पूछ्यू छे के बाधी मुठ्ठी लाखनी, तो आनो राइट आंसर थशे ज्यां सुधी वाद बहार ना जाए त्यां सुधी इज्जत साचवी, ऑप्शन सी आनो राइट आंसर थई जशे। एना पछी अहीं पूछी गयु छे कि कई टोपोलॉजी छे ए हाईएस्ट रिलायबिलिटी छे, तो मेश टोपोलॉजी आनो राइट आंसर थशे। एना पछी अहीं तमे जोई शको छो 38 एना पछी अहीं तमने जो कॉम्प्यूटरनो क्वेश्चन छे जे तमने मेमरी ने अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में राखवानो छे, तो पहला के बी आवशे
पछी एमबी पछी जीबी पछी टीबी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर थशे। एना पछी अहींया छे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप लूप इन प्रोग्रामिंग, तो लूप प्रोग्रामिंग लूप ना अंदर आ त्रणे प्रकार आवशे, यानी ऑल ऑफ एबो ऑप्शन डी राइट आंसर थशे। एना पछी छे कि मोस्ट कॉमनली जे यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छे मोस्ट कॉमनली ये पाइथन छे। एना पछी जे छे गुजराती में सकड़नू जो समानार्थी नथी, तो विश्वानु राइट आंसर थशे। पछी सीननू समानार्थी माथू थई जशे। एना पछी सज्जननू विरुद्धार्थी छे दुर्जन थशे। एना पछी अहींया पूछ्यू छे नजदीकनो विरोधी शब्द, तो नजदीकनो जो विरोधी छे आपण छे अने आपण छे, तो आमांथी जे छे एक कोई पण नहीं आवशे, बिकॉज आ त्रणे त्रण जे समानार्थी शब्दों छे। पछी कोथवलनू जो साची जोड़नी पूछी थी, तो ऑप्शन ए आनू राइट आंसर थई जैसे, तमें कौतूहल आम लखवानू रहेशे। एना पछी जे छे एक क्वेश्चन छे गुनू कई भाषानो शब्द छे, तो तमें आ जे कमेंट बॉक्स में बतावजो। तो आशा करूँ छूँ कि तमने आ वीडियो पसंद आवशे, तो लाइक करजो, मारा चेनल ने सब्सक्राइब करजो अने बेल आइकन पर क्लिक करजो, ताकि आवी रीते जे पार्ट बे आवशे टेक्निकल विषयनो एम हूँ तमने बताईश। तो मळीश नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत।